हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड नेचुरल प्रोडक्ट एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स स्टीरॉइड्स एंड प्लांट पिगमेंट्स का डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड इसके पास्ट ईयर का क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। सो इस स्पेसिफिक सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप परसू यूनिवर्सिटी, दुर्ग यूनिवर्सिटी एंड अगर बस्तर यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं एंड एमएससी फोर सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये यूनिट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट टू में मिल जाएगा। एंड अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं तो ये जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरे सेमेस्टर में या दूसरे यूनिट में हो सकता है। बट नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के सिलेबस में डेफिनेटली होगा। सो नेचुरल प्रोडक्ट्स हमको पता है कि इसको जनरली चार भागों में डिवाइड किया गया है, एल्केलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, स्टीरॉइड्स एंड प्लांट पिगमेंट्स, ठीक है। सो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टर्पिनॉइड्स एंड एल्केलॉइड्स है इसको एक यूनिट में एंड स्टीरॉइड्स एंड प्लांट पिगमेंट इनको एक यूनिट में कवर किया गया है। सो स्टीरॉइड्स के अंतर्गत आपको जो है कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड, एंडोस्टीरॉन, टेस्टेरॉन, एस्ट्रॉन, प्रोगेस्ट्रॉन, एल्डोस्ट्रॉन एंड बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स का, ये जो आठ टॉपिक दिख रहे हैं, इन सभी का आपको आइसोलेशन, स्ट्रक्चर एलुसिडेशन एंड सिंथेसिस जो है डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी का आपको डिटेल में जो है कवर करना होगा क्योंकि पास्ट के क्वेश्चंस पेपर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हर एक टॉपिक से जो है डिटेल में पूछा गया है, हर एक टॉपिक से जो है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। उसके सिंथेसिस से आ गया, उसके स्ट्रक्चर एलुसिडेशन से आ गया, तो एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको बहुत डिटेल से सभी पढ़ने होंगे। इसके अलावा प्लांट पिगमेंट्स में आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि एपिजेनिन, ल्यूटेनिन, क्वेरेसेटिन, मायरेसेटिन, क्वेरेसेटिन थ्री ग्लूकोसाइड्स, विटेक्सिन, डायाजिन, ब्यूटीन और ऑरियोसिन, ब्यूटीन, ऑरियोसिन, साइनाडिन सेवन एरिबायोसाइड, ठीक है, बायनोसाइड्स, साइनाडिन्स एंड हिरुस्टिडिन, ठीक है। तो ये टॉपिक्स कवर करने होंगे, ये जो 12 टॉपिक्स हैं इसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। सो प्लांट पिगमेंट के अंतर्गत ये टॉपिक्स आते हैं, इन सभी टॉपिक्स का आपको अक्यूरेंस, नोमेनक्लेचर, जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एलुसिडेशन, आइसोलेशन एंड सिंथेसिस डिस्कस करना होगा, डिटेल में समझना होगा, ठीक है। सो इस टाइप से स्टीरॉइड्स एंड प्लांट पिगमेंट्स के ये सिलेबस है जो आपको कवर करने होंगे। प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंतर्गत जो है ये आपको किसी भी, अगर आप यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी सिलेबस में है आपके, तो ये सभी टॉपिक्स मस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कवर करने होंगे। अगर आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स की कंप्लीट रिटन नोट चाहिए, हर एक यूनिट का, हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला, जिसमें आपको सभी टॉपिक्स का एक्यूरेंस, नोमेनक्लेचर, जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एलुसिडेशन, सिंथेसिस, आइसोलेशन, ये डिटेल में मिलेगा। सो उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके डेफिनेटली सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल, सो प्लीज चेक आउट दिस पीडीएफ स्टोर। अब हम इसका जो है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस स्पेसिफिक यूनिट से पूछे जाते हैं एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, ठीक है, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से आपको जो है इस यूनिट का प्रिपरेशन करना है। सो 2018 का क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें तो इसमें जो है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेरेसेटिन, ठीक है। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड कॉन्फ़िगरेशन एंड राइट डाउन द बेसिक इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोफ्लोनेन्स फ्लोन्स फ्रॉम 2-हाइड्रोक्सी चालकोन्स, ठीक है। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन पेपर है ये परसू यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर है, इसका एग्जाम पैटर्न आपको पता होगा कि 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है एक पर्टिकुलर यूनिट से एंड 5 ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, ठीक है। सो 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 2018 में ये पूछे गए थे, हाउ विल यू प्रूव दैट टेस्टोस्टेरोन इज टेट्रासाइक्लिक एंड कंफर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। एंड जो सेकंड क्वेश्चन था दैट इज एक्सप्लेन द सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ पायरिथ्रोइड्स एंड रोटेनॉन्स, ठीक है। इसका जो है ये रिएक्शंस एंड सिंथेसिस आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको कवर करना होता है। तो 2018 में इस पर्टिकुलर यूनिट से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2019 में 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस था, दैट इज व्हाट इज बाइल एसिड एंड हाउ द आइसोलेट एंडोस्ट्रॉन, ठीक है।
तो एंडोस्टर्म को किस प्रकार आइसोलेट किया जा सकता है एंड बाइल एसिड का आपको बेसिक जो है इसका डेफिनेशन स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। 3 मार्क्स में जो है क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे इस पर्टिकुलर यूनिट से इस 2019 में। 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चन था, दैट इज व्हाट आर कोलेस्ट्रॉल, एक्सप्लेन इट्स आइसोलेशन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एंड सिंथेसिस, एंड व्हाट आर पायरोथ्रॉइड्स, एक्सप्लेन इट्स सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, 5 मार्क्स में ये 2 क्वेश्चन थे 2019 में, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे इस यूनिट से। 2020 के क्वेश्चंस पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, दैट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड व्हाट इज हिरोस्टिडिन। ठीक है, तो इसका जो 2 मार्क्स का टेस्टोस्टेरोन है इसका सिर्फ आपको जो है जो केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का उसी को आपको ड्रॉ करना है। एंड हिस्टोडिन का पूछा गया, व्हाट इज हिस्टोडिन, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसका जो है बेसिक डेफिनेशन दे सकते हैं एंड इसका जो स्ट्रक्चर है उसको बना सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन थे, दैट डिस्कस द स्ट्रक्चर फीचर ऑफ बाइल एसिड। ठीक है, बाइल एसिड का जो स्ट्रक्चर फीचर्स है, स्ट्रक्चर एलुसिडेशन है, उसको कवर करना है। एंड इसके अलावा आपको जो सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर प्लांट पिगमेंट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड एपिजेनिन, माइरोसिटिन एंड ब्यूटिन। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट पिगमेंट क्या है इसको आपको बेसिक डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद एपिजेनिन, माइक्रेटिन एंड ब्यूटिन। ठीक है, तो इन तीनों का जो है आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इसका छोटा छोटा डेफिनेशन दे सकते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, मेनली जो है स्ट्रक्चर ही पूछा गया है तो आप इसका तीनों का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज व्हाट आर स्टेरॉइड्स, डिस्कस द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस आपको डिस्कस करना है एंड स्टेरॉइड्स क्या है इसका स्ट्रक्चर एंड बेसिक डेफिनेशन दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज डिस्कस द सिंथेसिस स्टेप इन क्वेरेसिटिन 3-ग्लूकोसाइड एंड साइनिडिन। ठीक है, साइनिडिन। ठीक है, तो ये जो है ये आपको पूरा देखेंगे आप क्वेश्चंस पेपर अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको एक चीज पता चलेगा कि जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए लाइक परसों यूनिवर्सिटी का इस प्रकार का एग्जाम पैटर्न है, तो इसके लिए जो है आपको डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक टॉपिक को डिटेल से समझें, डिटेल से पढ़ें, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाएं आप उसको कवर कर सकते हैं अगर आप डिटेल से हर एक टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिलेबस आपको पहले कवर करना होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कीजिए, जिससे आपके जो क्वेश्चंस हैं अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं तो उस सिलेबस से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से आप कवर कर सकते हैं सिलेबस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको इन सभी टॉपिक्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले हैरिटन नोट्स चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके कई वीडियोस, कई टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल में, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उस वीडियोस को देख सकते हैं, वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहां पे आपको काफी टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे। एंड कंप्लीट सिलेबस के लिए आपको पीडीएफ लेना होगा जहां से आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप उसको पीडीएफ को लेके आप जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दैट पीडीएफ जो है स्पेशली एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, तो उसको आप डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जामिनेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल, सो प्लीज चेक आउट दिस पीडीएफ स्टोर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।